तो गाइस देख रहे हो मार्क्समैन को देख लो गाइस, हाथ में कंघा, सामने छोटा शीशा, ये देखो, वाह 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 भाई वाह, क्या बात है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग, ठीक हो? तो यार दो दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई, 25 दिसंबर के बाद मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई है। लास्ट मैंने 25 दिसंबर वाली वीडियो 27 को डाली है और अभी बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे अभी एक बात पता चली है, अभी एक बात पता चली कि मतलब इतनी जल्दी कौन ग्रो होता है यूट्यूब चैनल पे। बहुत जल्दी ग्रो होने वाला बंदा आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि भाई क्या है चैनल, उसका क्या नाम है, क्या है, और वो भी ब्लॉग्स ही बनाता है भाई इतनी जल्दी, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है वीडियो में, आप देखोगे तो मैं बता नहीं सकता। वैसे ठंड आज बहुत है, दिखाता हूँ अभी आपको, ये देख रहे हो कांच पर कितनी ओस पड़ी हुई है, ठंड बहुत है भाई। देख रहा आंटी मार रही है मुझे देख रहा गाइस आंटी मार रही है, और इतनी ठंड में वो भी देखो, और ठंड आज वाकई में बहुत ज्यादा है, आज ठंड है कि नहीं है, है कि नहीं है, कल कैसा मौसम था उसके हिसाब से आज ज्यादा ठंड है। जगने चलेंगे क्या? अच्छा ये इधर बना हुआ है जो संडे को चलेंगे, नहीं साल को चल रहे हैं। पक्का? पक्का। उद्घाटन हो गया वहाँ का? हो गया। पक्का? तो ठीक है देखने चलेंगे। देखो गाइस कितना कोहरा है पीछे, दिख रहा है अभी, इसलिए इसीलिए। तो गाइस हमारी छोटी बहन बंसिका, ये देखो देखो जा रही है घर के अंदर, देख रहे हो, वाह दबा, मैं गया क्या स्कूल, छुट्टी है आज की। तो गाइस भैया आ चुके हैं और हम भी आ गए हैं थोड़ी देर में, अभी अभी अब भैया भी आ चुके हैं, देख रहे हो ना, अभी जस्ट भैया ने भी एंट्री मारी है, हमने भी एंट्री मारी है। मार्क्स मैन देखो शटर ओपन कर रहा है, ये देखो, ये बात क्या बात है मार्क्स मैन, आज तो तू सुपर मैन बन गया। तो गाइस ओपन हो चुका है हमारा स्टोर, और हमारा मार्क्समैन कुछ कह रहा है, मार्क्समैन अभी उसने कुछ बोला, अभी आपको बताऊंगा, बहुत ही फनी बात बोली है। क्रिसमस तो निकल चुका है लेकिन सुनिए मार्क्समैन की कहानी, गुरुदेव की जवानी, ये देखिए, बोलिए मार्क्समैन जी क्या बोल रहे थे आप, तेज बोलिए थोड़ा, कैच का कोई मैच तो मार्क्समैन जी बोल रहे हैं कि कैच का कोई मैच नहीं। तो गाइस मेरा टाइम हो चुका है मैं घर पे जाने का, बट आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी, आपको तो पता ही है आदित्य ब्लॉग के बारे में, मैं जब आऊंगा घर से तब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या है उसका। तो गाइस मैं घर से स्टोर पे आ चुका हूँ, और आते ही बहुत सारा काम है, हमारा मार्क्समैन लगा पड़ा था काम के लिए, और मैं आपको बता नहीं सकता कितना काम है। ये देखो हमारा मार्क्समैन दिख रहा है, अभी अभी इन्होंने सामान रखा है, अभी और भी सामान है जो रखना है, और मुझे तो एंट्री करानी है बहुत सारी, ये देखो नीचे कितना सारा सामान है जो रखना है, तो देख रहे हो नखरे देख रहे हो मार्क्समैन के, सुपरमैन की तरह बाल निकाल के रखे हैं, ये देखो आगे की तरह देख रहे हैं, और जब देखो शीशे में विश्वास नहीं होता तो मैं दिखाऊंगा, तो मैं जब ऐसे करता रहा जब देखो तब शीशे के अंदर घुसा रहता भाई, जब देखो तब, बता नहीं सकता, अरे विश्वास नहीं है ना, दिखाऊंगा। तो गाइस देख रहे हो मार्क्समैन को देख लो गाइस, हाथ में कंघा, सामने छोटा शीशा, ये देखो, वाह 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 भाई वाह, क्या बात है भाई, मौज कर दी। हाय गाइस, शाम के 7:30 बज चुके हैं, ठंड भी बहुत काफी बढ़ रही है,
तो मैं आपसे सुबह एक इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहा था, आपको तो पता ही है आदित्य ब्लॉक्स के बारे में। भाई एक महीने के अंदर इतनी जल्दी गेन कौन करता है ये बता दो। मेरे को भी इस चैनल पे हो गए हैं 5 साल हो गए, बट मैंने ये दोबारा से ब्लॉकिंग चालू करी है। पहले कोई डांस वीडियो कुछ डालता था, वो अभी मैंने फिलहाल हटा दिया है मैंने अपने यूट्यूब चैनल से। बट मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि भाई एक महीने के अंदर इतना गेन कौन करता है। मतलब नवंबर में चैनल स्टार्ट किया बंदे ने माय फर्स्ट ब्लॉग से, और माय फर्स्ट ब्लॉग से लेके जब उसके 1000 सब्सक्राइबर हुए बंदे के, तो उसने एक वीडियो बनाई कि भाई मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए। उन्होंने दिखाया वीडियो में कि मतलब उन्होंने केक बनाया, केक बना के वो हाथ से काट रहे थे। भाई केक बना के हाथ से काटना जरूरी है? घर में चाकू नहीं था भाई, तुम्हारे पास पैसे कम पड़ गए तो घर में चाकू रहता है भाई, हर किसी के घर में, हर गरीब के घर में चाकू रहता है भाई। तुम तो इतना गरीब पना दिखा रहे हो कि भाई कि ये हाथ से खिला रहे हैं, 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो दिखा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने, उन्होंने बोला आदित्य ब्लॉग्स में, भाई ने, छोटे भाई ने बोला कि भाई कि सौरभ जोशी भाई ने उनको कमेंट किया कि कॉन्ग्रेचुलेशन 1000 आपके कम्प्लीट हो गए। भाई 11 मिलियन सब्सक्राइबर ने गालन, जिनके 11 मिलियन सब्सक्राइबर है उन्होंने आदित्य ब्लॉग्स भाई को, छोटे भाई को मतलब दिया, बोला कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। तो उन्होंने उसकी टैगलाइन ली, उन्होंने बनाया कि भाई उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया ये हो। भाई इतना गेन कौन करता है इतना, मतलब जल्दी सब्सक्राइबर और लाइक्स। भाई लोग भी, मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ भाई कि भाई देखो तो भाई उनकी वीडियो देखना, मतलब 100 गाइस ये चल रहा है, फिर 5 मिनट में 100 गाइस ये हो रहा है, फिर 5 सेकंड में 100 गाइस ये। भाई मैं मान रहा हूँ कम से कम 14-15 साल का तो होगा करीब, बट फिर मतलब इतना जल्दी गेन कैसे हो रहे हैं मुझे तो खुद नहीं पता कि क्या चल रहा है यूट्यूब पे, कि हाल इस लेवल से इस लेवल पर चलाया था। जो 4-5 साल से पड़े हुए वो वहीं पे ही हैं, आधे से ज्यादा यूट्यूबर यहीं पे है, उन्होंने कैसे गेन किया है मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। भाई हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि कैसे क्या हो, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कैसे क्या कर दिया भाई। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूँ कि भाई जिन, ये नहीं समझ में आया कि कैसे आपने आदित्य ब्लॉग्स वीडियो में कैसे उनको आपने वो दिया, सराहना दिया, लाइक्स दे रहे हो, व्यूज दे रहे हो। मैं पब्लिक से कहना चाह रहा हूँ भाई, क्या देखा आपने उनको, क्या वीडियो में उनको आपका अच्छा लगा जो आप उनको इतना लाइक कमेंट, और मतलब अच्छा भी लग रहा है आप लोगों को? मतलब मैं, मुझे तो कुछ अच्छी नहीं लगी। मैं रेटिंग भी कोई देगा ना, सच बताऊं कुछ नहीं है रेटिंग में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 0-0 ही दे देगा कि भाई कि तुम बोल क्या रहे हो, ये तो देखो तुम्हारा बोलने का तरीका कैसा है, क्या है क्या नहीं है, क्या दिखा रहे हो। हम यहाँ पे 10-10-15 मिनट की वीडियो बना देते हैं, पूरे दिन का शेड्यूल दिखा देते हैं। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ बनाना ब्लॉग्स, मैं भी कोई प्रो नहीं हूँ सौरभ जोशी की भाई की तरह की प्रो हूँ, और भी हैं फ्लाइंग वीट सर हैं उनकी तरह, मैं भी कोई प्रो नहीं हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी बनाना ब्लॉग्स की कैसे बनाते हैं, क्या है कैसे है बोलना है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसे लोगों को प्रमोट करो, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाए जिनको बढ़ाना चाहिए। कि मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी आप मतलब डाला और भाई रातों रात सब्सक्राइबर दमदार, ऐसा कुछ है तो बता दो भाई। ये पैसे लगा के हो रहे हैं तो भाई मुझे भी बता दो, मैं भी लगाता हूँ पैसे, ऐसा कुछ है तो बता दो। बट मुझे नहीं समझ में आया कि कैसे क्या गेन हो जाते हैं किसको, मतलब मैं तो बहुत ही रेयर बोल रहा हूँ कि भाई अच्छा लगा होगा, लेकिन मैंने भी घर में दिखाया वीडियो तो मुझे सब बोल रहे थे कि भाई क्या है ये, मतलब ऐसी वीडियो पर जब व्यूज आ रहे हैं तो तेरी वीडियो पर क्यों नहीं व्यूज आ रहे हैं? तू तो पूरे 10-10, 12-12, 15-15 मिनट की वीडियो बनाता है और यहाँ से वहाँ घूमता लेके घूमता कैमरा, तो तेरे व्यूज तो इतने नहीं आ रहे जितने इनके आ रहे हैं। भाई 4-4 मिनट 5-5 मिनट की वीडियोस बना देते हैं, वो भी बस कुछ ना दिखाना कुछ। तो प्लीज गाइस सपोर्ट करें उनको ही जिनको सपोर्ट करने लायक हो, अभी कोई वो भी नहीं है कि क्या आप किसी को भी कैसे भी कर देते हो। मैं तो आप देखो साफ बोल रहा हूँ कि भाई आपको अच्छा लग रहा है ठीक है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा कि कैसे क्या है। मैंने तो उनके वीडियो में भी कमेंट जाके बोला था कि भाई क्या है ये, क्या बनाया आपने, मैं तो ये नहीं समझ आया। उन्होंने बस थम पे लाइक किया, बस हो गया। तो और अच्छी वीडियो बनाए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छे से बोले, अच्छे से वीडियो बनाए और मेहनत करें,
तो ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी, ज़्यादा अच्छा होगा, बट मुझे नहीं अच्छा लगा। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा करें, देखें लोगों को किस में क्या है, क्या टैलेंट है, उसके बाद जजमेंट करें कि विदाउट टैलेंटेड किसी को भी आप स्टार बना देते हो तो भाई मैं तो आपके प्रणाम करता हूँ, पैर छूता हूँ भाई आपके, कि भाई बहुत बहुत आगे जाना है। आप यहाँ से यहाँ पे आप ही बनाते हो, आप ही हो जो भी हो, मैं तो पब्लिक से कहना चाहता हूँ आप ही हो जो भी है जिसको यहाँ से यहाँ पहुँचाते हो, बट ऐसे लोग हो जिनके अंदर टैलेंट हो, ऐसे नहीं कि मतलब टैलेंट उस बंदे में भी, ये नहीं कह रहा, लेकिन आप देखो पहले कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है भाई। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं फिर। अपना मार्क्समैन भी चला गया है किसी के जन्मदिन में, और अब कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा है, तो बैठा हो शांति से, देखो कब तक बैठे रहते हैं। तो गाइस रात के 9:30 बज चुके हैं, आज मैंने लेट स्टोर बंद किया है क्योंकि आज बहुत लेट हो गया था मैं, और टाइम भी हो चुका है मेरा घर जाने का। ये देखिए स्टोर बंद कर दिया है स्टोर भी, तो फिर घर जा रहा हूँ मैं इस टाइम, और बहुत ठंड पड़ गई है, देख रहे हैं ना बहुत ठंड पड़ गई है, सच बता रहा हूँ। तो गाइस मैं अपने घर पे आ चुका हूँ, देख रहे हैं, और देख रहे हो पूरी गली एकदम सुनसान दिख रही है, एकदम ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं है गली के अंदर, एकदम सुनसान, पापा मम्मी जग रहे हैं।